फाइनली आप सबकी चहेती 2020 होंडा सिटी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है इंडिया में। और अब तो होंडा ने ऑफिशियली इंडियन स्पेक 2020 सिटी से जुड़ी डिटेल्स और कुछ इमेजेस भी रिवील कर दी हैं, जिनके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सबसे पहले नई सिटी के एक्सटीरियर्स की बात कर लेते हैं। 2020 सिटी की डायमेंशंस हैं लेंथ 4549 मिलीमीटर, विड्थ 1748 मिलीमीटर, हाइट 1489 मिलीमीटर और इसका व्हील बेस है 2600 मिलीमीटर का। नई सिटी की ओवरऑल लेंथ तो जरूर बड़ी है, लेकिन इसका व्हील बेस बिल्कुल सेम है करंट जनरेशन जितना। तो नी रूम और लेग रूम के मामले में तो आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा इसके कैबिन में। चलिए अब इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो इंडियन स्पेक सिटी का डिजाइन भी थाईलैंड स्पेक सिटी जैसा ही है। फ्रंट में इसको फुल एलईडी हेडलाइट्स विद इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएस जो कि टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करेंगे मिलते हैं। फॉग लैंप्स भी आपको इसमें एलईडीज मिलेंगी जो कि इसके प्रीमियम क्वोशन को बढ़ाती हैं। बाकी डिजाइन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 2020 सिटी में आपको एक बोल्ड क्रोम ग्रिल मिलती है जो कि और सिग्नेचर डिजाइन है ग्रिल का होंडा की सारी गाड़ियों में। बम्पर के लोअर पार्ट में आपको एक फॉक्स की प्लेट भी मिलती है। और अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करूं, साइड में इसको स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइंस मिलती हैं जो कि फ्रंट फेंडर से लेकर टेल लाइट्स तक जाती हैं और गाड़ी की लेंथ को दर्शाती है। बाकी इसको 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि इस नई जनरेशन पर बहुत बढ़िया लग रहे हैं। साथ ही साथ नई सिटी के साइड विंग मिरर्स आपको गाड़ी के फ्रंट डोर्स पर मिलते हैं और ना कि ए पिलर पर। अगर ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात करूं तो इसकी साइड प्रोफाइल बहुत बढ़िया लगती है साइड से देखने पर और काफी लंबी भी लगती है सेडान जो कि ये है भी। चलिए अब दूसरी इमेज की बात कर लेते हैं जो कि होंडा ने रिलीज की है। इस इमेज में आप 2020 सिटी के इंटीरियर्स को देख सकते हैं। 2020 सिटी में आपको ऑल बीएच इंटीरियर्स मिलते हैं जो कि इसके कैबिन को और भी ज्यादा स्पेशियस फील करवाते हैं, लेकिन डैशबोर्ड आपको ब्लैक और बीएच डुअल टोन कलर स्कीम में मिलता है। चलिए अब 2020 सिटी के फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस नई जनरेशन सिटी में होंडा आपको काफी सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर कर रही है। 2020 सिटी में आपको फुल एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएस विद टर्न इंडिकेटर्स, एलईडी फॉग लैंप्स, 3D एलईडी टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स, ऑटो फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड विंग मिरर्स, एलईडी टर्न सिग्नल्स ऑन ORVMs। इंटीरियर्स में 2020 सिटी में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, होंडा कनेक्टेड कार्टेक, रिमोट कमांड्स, ऑटोमेटिक IRVM, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक AC, 7 इंच डिजिटल कलर MID, लेदर सीट्स, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, पैसिव एंट्री सिस्टम, फ्रंट एंड रियर USB चार्जिंग पॉइंट्स, 12 वोल्ट सॉकेट्स, रियर AC वेंट्स, रियर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर पार्सल ट्रे और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं 2020 सिटी के सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स टायर सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, लेन वॉच कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए अब 2020 सिटी के इंजन्स की बात कर लेते हैं। 2020 सिटी में आपको दो इंजन्स मिलेंगे, एक पेट्रोल और एक डीजल। पेट्रोल होगा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 121 PS की पीक पावर और 145 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। मैनुअल में 17.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज और ऑटोमेटिक में 18.4 किलोमीटर की माइलेज क्लेम करती है होंडा इस नई सिटी में। डीजल इंजन में आपको 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेगा जो कि 100 PS की पीक पावर और 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको लॉन्च के वक्त तो सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलेगा, लेकिन आगे चलकर के आपको होंडा शायद ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन प्रोवाइड करवाए।
डीजल इंजन में होंडा नई सिटी से 24.1 किलोमीटर की माइलेज क्लेम कर रही है। अब आखिर में इसके लॉन्च डेट, प्राइजेस और कंपटीशन की बात कर लेते हैं। होंडा इसको जुलाई में इंडिया में लॉन्च करने वाली है और इसके प्राइजेस करंट जनरेशन होंडा सिटी से ज़्यादा रखे जाएंगे।